हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को भी आंदोलनकारियों में कांग्रेस की भूमिका को लेकर सवाल उठाया गया। विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुज्जर ने कहा कि हमें पता है कि ये आंदोलन केवल कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा है। एक वीडियो के आधार पर यह साबित होता है कि अंबाला शहर विधायक असीम गोयल के घर पर किए गए प्रदर्शन में कांग्रेस के कितने पदाधिकारी शामिल हैं। वहीं अंबाला विधायक असीम गोयल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उन्होंने सदन में कहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। ये नारा किसने और क्यों दिया था ये जग जाहिर है, पर हमने कभी भी किसान को भारत तोड़ने वाला नहीं कहा। असीम गोयल ने कहा कि आज के समय ये इस वीडियो और चित्र से साफ है कि आंदोलन में कांग्रेस के कई प्रदेश स्तर के नेता हैं जो आंदोलन को भड़का रहे हैं। असीम गोयल ने साफ कहा कि हुड्डा सदन में कुछ कहते हैं और उनकी कांग्रेस सदन के बाहर कुछ करती है। गोयल ने कहा कि किसानों और आंदोलन करने और पुतला जलाने से किसी ने नहीं रोका, ये उनका अधिकार है, मगर अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करना गलत है। देखिए, जैसे विधानसभा की कार्रवाई में एक शब्द जो कांग्रेसी साथियों ने जानबूझ के, जो मैं जेएनयू और कांग्रेस के नेताओं की जुगलबंदी की बात मैंने की थी कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे देशद्रोही ऐसे गद्दार लोगों के जो नारे लगाए जिन्होंने, उनके साथ कांग्रेस मिल चुकी है, इतना उसका राजनीतिक पतन हो गया है। पहली बात तो कांग्रेस के साथियों ने उस बात को तोड़ मरोड़ कर किसान साथियों के ऊपर लाने की बात की, जबकि मैंने, ये सारा संसार जानता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये नारे किसने लगाए थे, इसमें किसान साथियों का कोई जिक्र भी नहीं था। उन्होंने इस बात को घुमा के प्रस्तुत किया और किसान साथियों के द्वारा मेरे घर के बाहर प्रदर्शन किया गया, लेकिन उस प्रदर्शन के अंदर मेरा ये भी कहना है कि जो पवित्र किसान आंदोलन चल रहा है उनमें भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो किसी के उकसावे में आके इस प्रदर्शन की दिशा को भटका रहे हैं, इस धरने की दिशा को भटका रहे हैं। और कल हुड्डा साहब ने बड़ी जिम्मेवारी से कहा कि कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता किसी को उकसाने का काम नहीं कर रहा। मैंने तो कल कांग्रेस साथियों का नाम नहीं लिया था, लेकिन कादयान साहब जब खड़े हुए तो मुझे मजबूरी में बोलना पड़ा। और आज मैं ये आपके चैनलों के माध्यम से ये फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ कि उस प्रदर्शन के अंदर जहाँ मुझे मारने की धमकियाँ दी गई, जान से मारने की, कि 302 या तेरे ऊपर लगेगी या मेरे ऊपर लगेगी, उस प्रदर्शन की फ्रंट लाइन में जितने चेहरे बैठे हैं ये सब कांग्रेसी नेता हैं। इनके डेजिग्नेशन, इनके नाम, ये विद प्रूफ मैं आज आपके चैनलों के माध्यम से इस हरियाणा की पूरी जनता को दिखाना चाहता हूँ। क्या क्या नाम है? ये नाम इनके प्रदेश के नेता भी हैं, रोहित जैन जो आजकल इनके प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं, बलविंदर पुनिया इनके स्टेट की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, पहले चुनाव लड़ चुके हैं, हरिंदर पुनिया एक्सएमसी हैं, देवराज देबा एक्सएमसी हैं, तरुण चुग इनके एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, देवेंद्र बजाज इनके स्पोक्स पर्सन हैं। यानी आप सदन के अंदर कुछ बात करोगे और सदन के बाहर कुछ बात करोगे। आप सदन में बड़ी जिम्मेवारी से कहते हैं हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं था, एक तरफ आप कहते हैं कि जी देखिए सदन में आप बाहर विधायक के साथ कुछ भी होगा वो अपनी बात को उठा नहीं सकता, अपनी बात को रख नहीं सकता, एक तरफ वो कहते हैं हम उकसाने वालों के साथ नहीं है। मैं तो केवल उनका ये दोहरा चरित्र पूरा हिंदुस्तान ये देखे कि उनकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है और किस प्रकार से, मैं तो किसान साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपके इस आंदोलन की पवित्रता को जो भंग करने का काम कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कर रही है, आप अपने भीतर की इन काली भेड़ों को पहचानो, अपने आंदोलन की पवित्रता बनाए रखें। आंदोलन करना आपका संवैधानिक हक है, लेकिन 302 की धमकी देना, 302 लगा देंगे या 302 लगवा लेंगे मारने का या उकसावा देना, ऐसी अशोभनीय बातें जो आप स्वयं लोग जिन्होंने बोली हैं, मेरा निवेदन है वो एक बार अपने परिवार के साथ, अपनी बहू बेटियों के साथ, बहनों के साथ उसको खुद भी बैठ के नहीं सुन सकते, आप किसी दूसरे के बारे में ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आज मैं आप सबके चैनलों के माध्यम से कांग्रेस के जो चेहरा है उसको बेनकाब करने का काम कर। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।